हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ट्राइस्ट विद बायोलॉजी। और आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे एसटीडीज, एमनियोसेंटेसिस और एमटीपी। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं एसटीडीज से। एसटीडीज मतलब सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस, जो सेक्सुअल कॉन्टेक्ट से फैलती हैं उनको क्या बोलते हैं, हम एसटीडीज बोलते हैं। इसको दूसरा नाम दिया गया सेक्सुअली ट्रांसमिटेड STI, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इंफेक्शन। तो ये इस नाम से भी आ सकता है, STDs करके भी और STIs करके भी इंफेक्शन, या फिर इनको एक तीसरा नाम और दिया गया है वेनेरल डिजीज। वेनेरल डिजीज कोई भी नाम आ जाए, आपको वो इन्हीं के बारे में करना है। इनको बेटा पहले तो हम कैटेगरीज पढ़ ले कि कौन कौन सी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है। बैक्टीरियल एसटीडीज कौन सी है? बैक्टीरियल में सबसे पहले पढ़ते हैं क्लेमाइडियसिस। क्लेमाइडियसिस डिजीज है जिसका कॉजल एजेंट जो है वो है क्लेमाइडिया ट्रैकोमैटिस। क्लेमाइडिया ट्रैकोमैटिस बैक्टीरिया का नाम है, साइंटिफिक है, तो ये फिर अलग अलग से अंडरलाइन कर दो इसको, स्मॉल लेटर से बने, तो ये बैक्टीरियल एसटीडीज में आएगा। ठीक है, दूसरा है साइफिलिस। साइफिलिस जो होता है उसका कॉजल एजेंट है ट्रोपोनिमा पैलिडम। ये भी साइंटिफिक नेम है, इसको भी क्या करेंगे, अलग अलग से अंडरलाइन कर देंगे। अब तीसरा आता है गोनोरिया। गोनोरिया भी एसटीडीज है और इसका कॉजल एजेंट है निसेरिया। यहां यही से गोनोरिया को उठा लो, गोनोरिया। नेसेरिया गोनोरिया HOEA। ये तीनों बैक्टीरिया के नाम है इसलिए इनको क्या कहा, बैक्टीरियल एसटीडीज। अब वायरल एसटीडीज कौन कौन सी है जो वायरस के वजह से फैलती है, वो वायरल एसटीडीज होगी। उसमें सबसे पहले और सबसे खतरनाक कौन सी है, एड्स। एड्स का फुल फॉर्म पता ही है आपको, एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। ये तो है डिजीज का फुल फॉर्म, और कॉजल एजेंट कौन सा है इसका, HIV, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। ये हो गया इसका कॉजल एजेंट। दूसरी डिजीज है हेपेटाइटिस बी। बड़ा आसान है इसका कॉजल एजेंट लर्न करना, हेपेटाइटिस बी। सिर्फ हेपेटाइटिस बी यहां लिखो और उसके पीछे लिख दो वायरस, हेपेटाइटिस बी वायरस, और इसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं HBV। अब HBV करके आए तो कंफ्यूज मत होना। तीसरा है वायरल एसटीडीज हर्पीज, जेनाइटल हर्पीज। जेनाइटल हर्पीज, जेनाइटल हर्पीज का है हर्पीज सिंप्लेक्स वायरस। हर्पीज सिंप्लेक्स वायरस, और इसको HSV भी बोलते हैं। नेक्स्ट है जेनाइटल वार्ट्स। वार्ट्स इसको बोलते हैं, जेनाइटल वार्ट्स जो है वो है पेपिलोमा
ये आ गया पेपिलोमा वायरस जो है, तो जो वार्ड्स है या हर्पीज है या कोई भी और डिजीज है, इसमें क्या आएगा, जेनाइटल वार्ड्स जो है इसमें ना पेपिलोमा वायरस तो है ही, इसमें आगे कई जगह का ह्यूमन वर्ड आगे लगा देते हैं, तो ह्यूमन पेपिलोमा वायरस एक ही बात है, ये इसको HPV करके आए तब ये समझ लेना कि ह्यूमन वर्ड लगा हुआ है, वरना पेपिलोमा वायरस है। अब ये थी वायरल STDs, ये तीन आपके सिलेबस में है, बैक्टीरियल STDs और एक है प्रोटोजोन STDs। यहां देखो, यहां हम लिख रहे हैं प्रोटोजोन STDs, जो प्रोटोजोआ से हो, तो प्रोटोजोन STDs में कौन सी STD आएगी, ये आती है ट्राइकोमोनासिस। जो ट्राइकोमोनासिस है, मोनासिस, इसका कॉजल एजेंट है ट्राइकोमोनास वेजाइनलिस, ट्राइकोमोनास वेजाइनलिस, वजाइना सबसे ज्यादा अफेक्टेड होता है इसलिए वजाइनलिस बोल दिया इसको। ये जो STDs है, चाहे वो वायरल STDs हो, चाहे बैक्टीरियल STDs हो, चाहे वो प्रोटोजोन STDs हो, कोई भी STD हो उसमें ये कॉजल एजेंट, देखो बेटा कॉजल एजेंट आपको NCERT में नहीं मिलेंगे, लेकिन नीट के पर्पज से ये पूछे जाते हैं, नीट में बहुत बार इनसे क्वेश्चन आया है कि इसका पॉजिटिव एजेंट बता दो, इसका पॉजिटिव एजेंट बता दो, तो इससे पॉजिटिव एजेंट जो है वो पूछे जाते हैं। तो अब देखो हम पढ़ेंगे STDs में एक्चुअल में होता क्या है, हमें ये चीज तो पढ़ ली कि ये बैक्टीरिया है, ये वायरस है, ये प्रोटोजोन है जिनकी वजह से डिजीज होती है, और उन डिजीज के नाम पढ़ ली। कॉजल एजेंट क्या है ये हमें पता चल गया, कॉजेस क्या है, स्प्रेड कैसे कर रही है, बाय सेक्सुअली कॉन्टैक्ट, जब सेक्सुअली किसी के साथ रिलेशन में आते हैं तो वो अगर उसको जो इंफेक्टेड पर्सन है उससे हेल्दी पर्सन में ट्रांसमिट हो जाते, ये नाम भी इंडिकेट कर रहा है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस, उसी से इसका मीनिंग आ रहा है। अब आता है इसके सिम्टम्स क्या है, कैसे पता चलेगा कि कोई भी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज हमें हो गई है, तो बेटा सबसे पहले तो देखो कॉजल एजेंट में स्पेशली एड्स की बात करें तो इसके कॉजल एजेंट बड़े दिनों बाद दिखाई देते हैं, बहुत आसानी से, बहुत आराम से नहीं दिखते, बहुत जल्दी टाइम पीरियड नहीं है इसका, इंक्यूबेशन पीरियड ईयर्स में भी आ जाता, कई कई साल तक भी नहीं पता चलता कि एड्स है, क्योंकि ये इम्यून सिस्टम को मार रहे हैं, कोई बीमारी नहीं कर रहे, इम्यून सिस्टम खत्म, मतलब किसी देश की आर्मी जैसे खत्म कर दियो ना, किसी कंट्री की आर्मी को पूरी पूरी खत्म कर दिया, तो ऐसे ही हमारी आर्मी क्या है, WBC, उसमें टी लिम्फोसाइट्स को खत्म करते हैं एड्स वाले वायरस, तो बॉडी की इम्यूनिटी वीक होती है, और वो उस टाइम पे अगर कोई बीमारी नहीं हुई, एड्स जब किसी आदमी को है और उस टाइम पे कोई बीमारी नहीं हुई ना उसको, तो उसको कोई दिक्कत नहीं आएगी, दिक्कत कब आएगी, सिंपल कोई भी बैक्टीरियल इंफेक्शन उसकी डेथ कॉज कर देगा, क्योंकि उस बैक्टीरिया से लड़ने वाला अब कोई भी नहीं रहा, किसी कंट्री की आर्मी अगर खत्म हो जाए तो कोई भी दूसरी कंट्री उस पर बहुत जल्दी आके अपना काम कर लेगी, अपना हक जमा लेगी, तो इंक्यूबेशन पीरियड जो है ना, इंक्यूबेशन पीरियड जो है वो डिफर करता है, फ्यू डेज टू मंथ और मंथ टू इयर्स, सब कितने भी साल भी हो सकता है किसी का, मंथ में क्या ही होगा, दिनों में ही पता चल जाता है कि कुछ दिन बाद ही पता चल गया आप लोगों को। अब क्या होता है, इचिंग होती है, इचिंग इन रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट, स्वेलिंग हो जाए, ठीक है, रैशेज हो जाए, या रेडनेस हो जाए, यूरिन इंफेक्शन हो जाए, या पेन इन यूरिन पैसेज हो जाए, मतलब यूरिन पास कर रहे हैं तो पेन हो रहा है, और पेन एट द टाइम ऑफ इंट्राकोस
उसके टाइम पे पेन होने लगे तो भी। तो मतलब ये है कि जो, और सबसे बड़ा देखो कई बार क्या होता है दाने दाने से निकल आते हैं, वो भी इसका है। एक यहाँ आता है अगर जो एसटीडी है किसी प्रेग्नेंट लेडी को है या कंसीव करने वाली है या उसको नहीं पता है कि उसको एसटीडी है, तो उसमें क्या सिम्टम आ सकता है और वो कंसीव कर जाए एसटीडी वाली लेडी, तो उसको क्या होता है एक्टोपिक प्रेगनेंसी। एक्टोपिक प्रेगनेंसी का मतलब होता है प्रेगनेंसी कहाँ लीड करती है, इम्प्लांटेशन जो होती है यूट्रस में होती है, यहां बेबी इम्प्लांट जो हो रहा है एम्ब्रियो यूट्रस में ना होके वजाइना और सर्विक्स में हो जाए, मतलब जो कि इसके लिए सुटेबल नहीं है, तो क्या होगा डेथ होगी फीटस की, डेथ ऑफ फीटस। कंसीव तो कर गई, फीटस भी फॉर्म, एम्ब्रियो भी डेवलप करा, लेकिन एम्ब्रियो इम्प्लांट यूट्रस में होने की वजह कहां हो गया, वजाइना में या फिर सर्विक्स में हो गया, एक्टोपिक प्रेगनेंसी उसको बोलते हैं, या फिर स्टिल बर्थ हो जाए। स्टिल बर्थ में क्या होता है, स्टिल बर्थ होता है जब 4 और 6 मंथ पे भी जो होता है 4 to 6 किसी में भी प्रीमैच्योर डिलीवरी हो जाए, और इस प्रीमैच्योर डिलीवरी में भी क्या होता है, इसमें भी डेथ हो जाती है फीटस की। ये हमें सिम्टम्स पता चलेंगे, इसके हमें पता है कि ये सिम्टम्स है। स्प्रेड देखो मोस्टली तो क्या है, स्प्रेड सेक्सुअल कॉन्टैक्ट है, दूसरा हो गया अगर एड्स की हम बात कर रहे हैं तो वो कंटामिनेटेड निडल से भी फैल सकता है, इंजेक्शंस और सिरिंज उससे भी फैल सकता है। बच्चे में कैसे हो गया, मदर से हो गया, मदर टू देयर चाइल्ड, अगर छोटा बच्चा है तो उसमें कहां से आ गया, उसमें तो एसटीडी का मतलब ही नहीं है, तो उसमें कहां से आता है, उसके मदर से ट्रांसफर हो जाता है। तो अब ये क्या है कि इसको बचाया कैसे जाए, जो स्प्रेड है अगर इस स्प्रेड पे कंट्रोल कर लिया जाए, सबसे बड़ा क्या है, सेक्सुअल कॉन्टेक्ट विद अननोन पार्टनर। अननोन पार्टनर क्यों, हाँ यहां नॉन और अननोन का मतलब है कि जिसके बारे में हमें नहीं पता कि वो डिजीज है, इंफेक्टेड पर्सन है या नहीं है, तो अवॉइड सेक्स विद अननोन पार्टनर्स सबसे बड़ा है। दूसरा जो ये इसका तो ये प्रिकॉशंस है, ये एक्चुअल में प्रिवेंशन है, क्योर नहीं पढ़ रहे हम, प्रिवेंशन है। क्योर में हेपेटाइटिस बी जो है वो लीवर को डैमेज करती है, एसटीडी बहुत सारी ऐसी है जैसे हेपेटाइटिस बी का पता ही नहीं चलता, और जब तक हमारे बहुत सारे जो पहले लीवर में गई फिर किडनी को भी डैमेज करती है, वो डैमेज एरिया को बढ़ा देती है, तो तब तक वो डेथ हो जाती है। एड्स का पढ़ लिया कि पूरा का पूरा इम्यून सिस्टम खा गई, या और एसटीडीज ऐसी हैं जो मल्टी ऑर्गन फेलियर भी कर देती है, तो वहां ट्रीटमेंट में देर हो उससे अच्छा है प्रिवेंशन करो, प्रिवेंशन आर बेटर देन क्योर, क्योर से बढ़िया है वो प्रिकॉशंस, जो प्रिवेंशन है बचना बचाव जो है, जो प्रिवेंशन है वो क्या हो गया, एक तो हो गया सेक्सुअल कॉन्टेक्ट अवॉइड करना अननोन पार्टनर से, दूसरा कह रहा है कंटामिनेटेड निडल से और इंजेक्शन से फैल रहा है, तो इंजेक्शन और निडल का इसका तो अब जुगाड़ हो ही गया है। अब हमारी गवर्नमेंट ने ये कह दिया है, और ये स्पेशली सब डॉक्टर्स को देखो जाना पैसा पेशेंट की जेब से ही है, अगर वो एक ही निडल को दोबारा स्ट्राइल करके या बांध करके या बॉयल करके उसको इंजेक्शन को दोबारा यूज कर रहे हैं, तो वो इंजेक्शन जो है वो कंटा हो सकता है कि कंटामिनेटेड हो सकता है स्टरलाइजेशन प्रॉपर ना हुआ हो,
इसलिए एक नई स्कीम ये है कि जब भी आप इंजेक्शन लगाओगे, जो सिरिंज यूज करोगे, जो निडल उसका सिरिंज का यूज करोगे, वो नहीं लोगे। तो ये सभी इसको फॉलो करते हैं डॉक्टर्स, और आप पेशेंट को भी इस चीज का ध्यान देना चाहिए कि अगर वो चाहे बिल्कुल कितना ही बीमार हो, वो देखे कि डॉक्टर ने न्यू निडल लगाई है या नहीं लगाई है। मदर टू देयर चाइल्ड, इसका भी गवर्नमेंट ने क्या किया कि जो अब प्रेग्नेंट लेडी है ना, उनमें HIV टेस्ट कराने लगे। ये पहले नहीं होता था, अब वो कंपल्सरी कर दिया कि प्रेग्नेंट लेडी का HIV टेस्ट कराओ, जैसे कम से कम न्यू जनरेशन जो आ रही है उसमें ये डिजीज ना फैले। तो ये सारा था STDs का। दूसरा हमारा टॉपिक है एमनियोसिंथेसिस। एमनियोसिंथेसिस जो है वो टर्म बनी है एमनियोटिक फ्लूड से। एमनियोटिक फ्लूड कहा, ब्लास्टोसिस्ट में, और ब्लास्टोसिस्ट कहा, ब्लास्टोसिस्ट है ये हमने फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में पढ़ा कि जो जायगोट है, जायगोट से डिवाइडेशन होके मोरूला बनता है, और मोरूला से फिर यहां ब्लास्टोसिस्ट बनता है। इस ब्लास्टोसिस्ट में जो अंदर फ्लूड भरा था, ये तो ये हो गया इसकी आउटर लेयर, ट्रोफोब्लास्ट होगी, ये सेल मास हो गया इसका, लेकिन यहां पर यहां एक लिक्विड भरा होता है जिसको हम बोलते हैं एमनियोटिक फ्लूड। इस फ्लूड को अर्ली डायग्नोस, इस फ्लूड को निकाला। देखो ये हमें पता है कि किससे बना है, एक सेल जायगोटी तो बना। अब इसके अंदर जो क्रोमोसोम है कितने है, 22 पेयर प्लस एक्स, एक्स भी हो सकता है या फिर क्या हो, 22 पेयर प्लस XY। अगर ये होगा तो बेबी बॉय होगा, ये होगा तो बेबी गर्ल होगी। इस एमनियोटिक, ये सारी चीज किससे बन रही है, जायगोट से बन रही है। एमनियोटिक फ्लूड के जो सेल्स हैं वो भी जायगोट से बने। अगर हम इस लिक्विड को निकाल के इसमें ये देख लें, ये पता लगा लें कि कैसे क्रोमोसोम है, तो सेक्स डिटर्मिनेशन हो जाएगा। एक्चुअल में एमनियोसिंथेसिस क्या था, क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटीज को देखने के लिए कि किसी में क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटी तो नहीं है, किसी के अंदर क्रोमोसोम कम या ज्यादा तो नहीं है, इसका डायग्नोस करना था। तो बीमारियों को पता लगाना है, टर्नर्स और क्लाइनफेंटर सिंड्रोम के बारे में प्री डायग्नोस था, लेकिन इसका मिसयूज हो रहा है। मिसयूज कैसे, मिसयूज हो रहा है इसका कैसे, इसमें क्या करते हैं, सेक्स डिटर्मिनेशन करवाने लगे। बनाया किसी और चीज के लिए, लेकिन यूज कहां करने लगे, सेक्स डिटर्मिनेशन। स्पेशली हम अपनी कंट्री की बात करें, इंडिया जैसी कंट्री में जहां सन जो बेबी बॉय चाइल्ड है उसको प्रिफरेंस दी जाती है। वैसे अब तो टाइम चेंज हो रहा है, अब इक्वलिटी है सब जगह, लेकिन यहां क्या है कि जो हमारा सेक्स रेशियो है वो डिस्टर्ब होने लग गया इसकी वजह से। इसमें क्या है, एमनियोटिक फ्लूड निकलवाया, डायग्नोस करा दिया, सेक्स डिटर्मिनेशन हो गया, और बहुत सारे पेरेंट नोइंगली कि बेबी गर्ल है और उसको टर्मिनेट करा देते हैं, अबोर्ट करा देते हैं, उसकी वजह से सेक्स रेशियो डिस्टर्ब हो रहा था। तो ये एमनियोसिंथेसिस इंडिया में प्रॉपरली 2002 में प्रॉपरली बैन हो गई। आप इसको बिना किसी को एबनॉर्मलिटी, जिसको जो हेरिडिटी है या किसी के में आ रहा है क्रोमोसोमल डिसऑर्डर का चांसेस लगता है, तो वहां प्रॉपर उसको गवर्नमेंट से परमिशन लेनी पड़ती है, और उस परमिशन के बाद यहां पर ये एमनियोसिंथेसिस किया जाता है। तो एमनियोसिंथेसिस समझ आया, एमनियोटिक फ्लूड को निकाल के उसमें क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटीज या क्रोमोसोमल नंबर से जो भी डिजीज है वो ना हो, इसको देखने के लिए करी गई थी। मिसयूज क्या हो रहा है, सेक्स डिटर्मिनेशन हो रहा है, जिसको बैन किया हुआ है, लीगली ये बैन है। अब बात करते हैं हम थर्ड पॉइंट की, थर्ड है MTP। MTP है मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। तो मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, एक तो टर्मिनेशन कह रहा है तो अपने आप ही अंडरस्टूड है कि टर्मिनेशन में क्या हुआ, स्टॉप हुआ। तो टर्मिनेशन प्रेगनेंसी को खत्म करवाना, वो क्या है, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। हम जर्नल लैंग्वेज में इसको अबोर्शन बोल देते हैं।
ये एमटीपी भी बैन कर दी। इसका भी बेनिफिट क्या था, ये एमटीपी को करा गया था कि जो अनवांटेड प्रेगनेंसीज हैं या एबनॉर्मल प्रेगनेंसीज हैं। कई बार हम बहुत ऐसे केसेस सुनते हैं कि किसी का फीटस में पैर नहीं डेवलप हुआ, किसी के फीटस में हाथ डेवलप नहीं हुआ। अभी रिसेंटली मैंने एक केस सुना जिसमें जो फीटस था वो 6 or 7 month फीटस था, और उसमें जब अर्ली उसका अल्ट्रासाउंड हुआ, सोनोग्राफी, उसमें नॉर्मल आया। लेकिन जब उसने 6 month ऑफ अल्ट्रासाउंड कराया तो पता चला कि जो बेबी का हार्ट है, जो फीटल हार्ट है, उस हार्ट में 3 chamber है। अब वो बच्चा अगर जन्म लेता है तो क्या होगा भाई, वो बच्चा जब 3 chamber के साथ जन्म लेगा तो एक तो पैदा होते ही उसकी सर्जरी करानी पड़ेगी, उसके बाद भी गारंटी नहीं है कि वो सर्जरी सक्सेसफुल होगी या नहीं होगी, क्योंकि वहां सोनोग्राफी में ये तो पता चल गया कि 4 chamber नहीं है, हार्ट प्रॉपर वर्क नहीं कर रहा है, लेकिन ये थोड़ी पता चला है कि 4th chamber कितना डेवलप हुआ है। अब ये भी नहीं पता, मतलब सर्वाइवल रेट जो है उसका बहुत कम है, सर्वाइवल चांसेस बहुत कम है, इसलिए क्या कराना पड़ा, एमटीपी कराना पड़ा और वहां लीगलाइज कराना पड़ेगा। तो लीगलाइज के लिए यही है कि वहां से फिर परमिशन लेनी पड़ती है। तो ये एमटीपी को भी क्या किस लिए करा गया था, फॉर अबॉर्ट अनवांटेड प्रेगनेंसीज के लिए। कई बार होता है स्पेशली उन फीमेल्स में जिनमें मेंस्ट्रुएशन साइकिल डिस्टर्ब होता है, उन्हें नहीं पता चलता व्हेन दे गॉट प्रेग्नेंट। तो प्रेगनेंसी जब उनमें होती है तो कई बार नहीं पता चलता कि, क्योंकि मेंस्ट्रुएशन साइकिल डिस्टर्ब है, जिनका मेंस्ट्रुएशन साइकिल रेगुलर होता है उनमें पता चल जाता है। तो अनवांटेड प्रेगनेंसीज या बाय मिस्टेक उनको नहीं पता चला और प्रेगनेंसी लीड कर गई। रेप केसेस में भी इसको अलाउ कराते हैं एमटीपी को, तो बहुत इन रेप केसेस इसको इसमें भी अलाउ किया जाता है। और जो मतलब इंटेंशनली डोमिनेट कराना, ये तो हमारे जो है ये तो क्या, ये तो देखो मजबूरी होगी इसकी तो अबॉर्ट कराना। इसकी क्या हो गई, इसको यह हो गया कि पॉपुलेशन हमारी बढ़ती जा रही है, उसको कंट्रोल करने के लिए अच्छी बात है, और जो डिसऑर्डर की वजह से करा रहे हैं उनकी भी मजबूरी है। भाई बच्चा अगर आया भी तो डिसऑर्डर के साथ वो अपनी लाइफ प्रॉपर नॉर्मल आदमी की तरह सर्वाइव नहीं कर पाएगा। तो डिसऑर्डर वाला जो फीटस होगा उसको अबॉर्ट कराना, रेप केसेस में अबॉर्ट कराना, अनवांटेड प्रेगनेंसी को अबॉर्ट कराना, कोई भी मेडिकल डोमिनेशन का चांस हो सकता था, लेकिन ये भी क्या हुआ, मिसयूज हुआ। इसका भी मिसयूज क्या हुआ, फॉर जो अबॉर्शन ऑफ गर्ल चाइल्ड, जो ये दिमाग पे बैठी हुई है ना लोगों के चीज, स्पेशली हमारी पुरानी जनरेशन, वो आज भी बेटा होना चाहिए, बेटे के बिना नहीं चलता है कुछ भी। तो वो उन लोगों को क्या होता है कि वो गर्ल चाइल्ड का अगर जैसे ही क्या हुआ, अभी देखो एमनियोसेंट्रेसिस, उन्होंने सेक्स डिटर्मिनेशन कराया, उन्हें कोई मतलब नहीं है कि अबनॉर्मल है, क्रोमोसोम नंबर डिस्टर्ब है, नहीं है, उन्हें बस एक चीज पता लगानी थी कि बेबी बॉय है या बेबी गर्ल। उन्होंने इस टेस्ट से पता कराया और फिर इसका फायदा लिया और उसको अबॉर्ट करा दिया। इससे भी सेक्स रेशियो डिस्टर्ब हुआ, दोनों में एक ही मिसयूज है, इसे पता लगाने का और इसे टर्मिनेट कराने का। तो ये जो 3 topic हैं, ये STDs, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी या फिर एमिनेसेंटेसिस, ये तीनों ही नीट के पर्पज से भी और 12th के बोर्ड पर्पज से भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं।